हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो। जी हाँ, काले जादू की पहचान और लक्षण के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी परेशान हैं काले जादू से, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, उसके लक्षण उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे काला जादू होता है, कि क्या लक्षण होते हैं, तो किसी ने काला जादू किया है तो ये मिलेंगे लक्षण, ये होंगे संकेत जो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिसकी मदद से आप काले जादू की पहचान कर सकते हैं, उसके लक्षणों को पहचान सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वे हमारे चैनल लव गुरु MK को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहें। हम हर रोज़ एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस समय में वैसे तो हर कोई परेशान है काले जादू से, क्योंकि कोई भी हमारी प्रगति को देख कर खुश नहीं होता। आपके मित्र प्यारे सगे संबंधी ही आपसे जलन करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर टोने टोटके काले जादू जैसी शक्तियों का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रगति रुक जाती है, आपका बिजनेस कारोबार में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसकी पहचान कैसे करें, इसके लक्षण क्या हैं, यही आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं वे कौन से तरीके होते हैं जिनसे एक काला जादू होता है। दोस्तों, काले जादू का असर वैसे तो सबसे ज़्यादा मिठाई के द्वारा होता है। काले जादू का प्रयोग किसी व्यक्ति पर करने के लिए खाने की मिठाई व्यंजनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, खासकर सफ़ेद मिठाइयों का। काला जादू करने के लिए वैसे तो कई तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा तरीका होता है। अगर आप किसी से कोई चीज़ लेकर भी खा रहे हैं, तो उस कहीं आपको काला जादू ना हो, ये सबसे बड़ा संकेत होता है। अगर दोस्तों, काले जादू की पहचान क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, सबसे बड़ा लक्षण है भयानक सपने, मन और मस्तिष्क से कमज़ोर, अकेलापन, मेडिकल की पकड़ से बाहर, ऐसे तरीके होते हैं जो लक्षण होते हैं इनके। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा अपना मन और मस्तिष्क से कमज़ोर होना। यदि आप पर कोई काला जादू करते हैं, आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू किया है, तो आप मन और मस्तिष्क से कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। ऐसे नकारात्मक शक्ति हमले पर सांस की गति बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है। भयानक सपने, रात को सोते समय भयानक सपने आते हैं और आपको डर भी लगने लगता है। अकेलापन, काले जादू के प्रभाव में आपको अकेलापन अच्छा लगता है, आपको नाखूनों का रंग काला होने लगता है और आप हमेशा गुस्सेले स्वभाव के हो जाते हैं। मेडिकल की पकड़ से बाहर, भूख प्यास नहीं लगती, आंखें लाल दिखाई देती हैं, ज़्यादा बीमार रहते हैं, आपकी यह बीमारी मेडिकल की पकड़ से भी बाहर होती है। अचानक से घर में रखा तुलसी का पौधा सूखने लगता है, मनी प्लांट सड़के या सड़ने लगते हैं। जैसे कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू का प्रयोग होता है, तो ये तरीके होते हैं जिसके द्वारा आपको पता लगाया जा सकता है। लेकिन आपको यह भी जानकारी हासिल करनी चाहिए कहीं वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, तो सबसे पहले आपने उसे मेडिकल जांच में जाना होगा, वहाँ पर उसका मेडिकल करवाना होगा, ताकि आपको पता चल सके कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं है, जिससे कि आप काला जादू वैसे ही बोलते रहें। तो ये सबसे बड़ा तरीका होता है जानने का। अगर उसके बाद भी आपको पता चले कि उसके कोई बीमारी नहीं है, तो आप उसकी कुंडली चेक करवाएं कि उसके ग्रह कोई ऐसी वातावरण तो नहीं है जिससे वो ग्रस्त है। अगर फिर भी लगे, तो आप इन टोटकों को, इन उपायों को आप जान सकते हैं, उसके अंदर देख सकते हैं, जिसके आपको पता लग जाएगा कि उस पर काला जादू हुआ है। दोस्तों, इसी से बचने के उपाय, आप काले जादू से मुक्ति कैसे पा सकते हैं अगर आपको पता चल गया है कि उसके ऊपर काला जादू हुआ है, तो इसी से संबंधित अगली वीडियो हम कल आपके लिए लेकर आएंगे। उसे भी आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाधान पा सकते हैं काले जादू पर, वो उपाय टोटके मैं अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अन्य जानकारी के लिए हमारे दिए नंबर पर कॉल